मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बैंक की स्वैप मशीन का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करता था। इस मामले में पुलिस ने मुंबई और दिल्ली से एक महिला सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूं तो ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा हर दूसरे कामों के लिए सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसका फायदा कुछ लोग ठगी करने के कामों में उठा रहे हैं, बल्कि भारत के अलावा अब विदेशियों से भी ठगी करने लगे हैं। ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ मुंबई पुलिस ने करते हुए एक महिला सहित 6 आरोपियों को दिल्ली और मुंबई से गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन का है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक चिकन की दुकान जहां पर स्वैप मशीन लगाया है उससे लगातार फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहा है। जानकारी मिलने के बाद मुलुंड पुलिस ने चिकन के दुकानदार से पूछताछ की तो उसने 2 पासपोर्ट का झलक दिखाया, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। पूछताछ के दौरान दुकानदार ने बताया कि उसने इस तरह की 3 और स्वैप मशीन अपने लोगों को दी है और एक मशीन दिल्ली भी भेजी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच की तो पता चला कि इन स्वैप मशीनों से 10 लाख से अधिक का विदेशों में ट्रांजेक्शन हुआ है। पुलिस की एक टीम दिल्ली जाकर वहां से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और स्वैप मशीन के साथ कई मोबाइल, लैपटॉप, डेबिट कार्ड जब्त किया है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। कुछ दिन पहले मुलुंड पुलिस स्टेशन में यहाँ के स्टेट बैंक के मैनेजर है, उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि उन्होंने एक चिकन सेंटर को, उनका इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चरिंग मशीन है जिसको हम कॉमन पार्लस में स्वैपिंग मशीन बोलते हैं, तो वो दी थी और उस पर उन लोगों को सिर्फ फॉरेन के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा उनके विजिलेंस टीम को ऑब्जर्वेशन में आया था। तो उन लोगों ने वो चिकन वाले से थोड़ा सा पूछताछ किया तो उसने 2 फेक पासपोर्ट उनके सामने, जो कि सिर्फ प्रिंटआउट थे, वो प्रोड्यूस किए, तो उससे उनका डाउट और बढ़ गया और उन लोगों ने मुलुंड पुलिस स्टेशन में स्टेट बैंक ने कंप्लेन रजिस्टर की थी। तो उसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को ऐसे पता चला है कि ये जो चिकन सेंटर ऑपरेशन करने वाला आदमी था, उसने अपने मुंबई की 2 और जो आरोपी है उनको ये मशीन दी थी और उनमें से एक आरोपी ने ये मशीन दिल्ली में कुरियर कर दी थी। जब दिल्ली का पता चला तो हम लोगों ने ये दिल्ली और ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोगों ने दिल्ली में भी टीम रवाना की, तो उसमें हम लोगों को दिल्ली में 3 आरोपी पकड़े गए हैं और उनके पास से हम लोगों को और 9 ऐसी मशीन्स मिली है, कार्ड रीडर भी मिला है, कुछ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी मिले हैं। तो पुलिस पूरे ये जो 9 मशीन से वो किस बैंक अकाउंट को अटैच थे और इन अकाउंट्स पे कितने फॉरेन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी लेने में पुलिस लगी हुई है। प्राइमा फेसिया अभी 3 जो मशीन से उसके अकाउंट की जो जानकारी अभी आई है, उसमें से करीब 10,15,000 रुपये का फॉरेन कार्ड्स के ट्रांजैक्शन हुए ऐसा दिखने में आया है। अभी पुलिस इस ऑफेंस में हर बारीकी से तपास कर रही है। इसमें ये जो फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन इन आरोपियों के पास से कहाँ से आई, इसकी भी पुलिस तहकीकात कर रही है। इसमें अभी तक एक महिला और 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और अरेस्ट किया है। पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि ये जो आरोपी है इनको, मतलब हम लोगों को स्विफ्टली ऑपरेशन करना पड़ा। ये जो आरोपी, उनको अगर कुछ पता चल जाता कि ऑलरेडी कुछ आरोपी अटक हुए तो उनके भाग जाने के भी अंदेशा था। जो डाटा हमको मिला है, जो मशीन्स हमको मिले हैं, वो भी कहीं गायब और डिस्ट्रॉय होने का भी अंदेशा था। इसके कारण मुलुंड पुलिस ने और काफ़ी फास्ट और स्पीडीली ये इन्वेस्टिगेशन किया है। नहीं, अभी प्राइमा फेसी हम लोग ये जो मशीन्स के रिलेटेड जो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स के ओनर कौन थे, उन लोगों ने किस पर्पज़ के लिए ये अकाउंट्स खोले थे और उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं और वो आदमी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं हमारे सारे नागरिक और सारे लोगों से यही आह्वान करूँगा कि हमारा जो प्लास्टिक मनी है और जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका यूज अब बढ़ता जा रहा है, हम सबके वॉलेट में अब कार्ड्स है, तो मेरा ये आह्वान रहेगा कि हम लोग जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो अपने आंखों के सामने ही वो ट्रांजैक्शन करें। आपका क्रेडिट कार्ड कहीं दूसरे काउंटर पे ले जाके उसका क्लोनिंग ना ये आरोपी करे, इस तरह की हमको बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये आह्वान मैं इस तरह करना चाहूँगा।